नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 37 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 36 से देख लेते थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा कि प्रूव दैट 1/sec θ − 10θ − 1/cos θ = 1/cos θ − 1/sec θ + 10θ। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे LHS से, तो LHS में दिया गया 1/sec θ − 10θ − 1/cos θ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, sec थीटा और टेन थीटा हम लोग जानते हैं कि sec थीटा और टेन थीटा में रिलेशन होता है sec²θ − tan²θ = 1। तो इसको यदि हम लोग दोस्तों रेशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर में आ जाएगा sec θ + tan θ और नीचे में आ जाएगा sec²θ − tan²θ, उसके जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए 1/1 में यहाँ पे sec θ − tan θ एज इट इज इंटू इसके अपोजिट साइड से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा sec θ + tan θ / sec θ + tan θ, क्योंकि यहाँ बीच में साइन माइनस का था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे के अपोजिट साइड यानी प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec θ + tan θ / sec θ + tan θ, ये माइनस 1/cos θ क्या हो जाएगा sec θ। हम जानते हैं कि सिंस 1/cos θ = होता है sec θ। अब इसे आगे देखिए, देखिए sec θ + 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर sec θ + tan θ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec θ + tan θ / 1। देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है। इसको यदि ए समझते हैं तो ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, बीच में साइन माइनस का और यहाँ साइन प्लस का है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² - b² a² यानी कि sec θ² - b² यानी कि tan θ² होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा हम लोग साथ में दोस्तों यहाँ पर रहेगा −sec θ एज इट इज। तो इसे आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को sec θ + tan θ / sec θ² करेंगे तो हो जाएगा sec²θ − tan θ² करेंगे तो हो जाएगा tan²θ और ये −sec θ एज इट इज। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये sec²θ − tan²θ, इसका जगह हम लिख देंगे 1 sec²θ − tan²θ = क्या होता है 1 होता है। तो ये फाइनली हो जाएगा हम लोग को sec θ + tan θ / 1 और ये हो जाएगा −sec θ। अब दोस्तों देखिए इसको यदि 1 से डिवाइड करते एज इट इज यही रहेगा, फाइनली हो जाएगा sec θ + tan θ − sec θ। देखिए sec θ निगेटिव sec θ पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा tan θ। देखिए LHS को सॉल्व किया तो हम लोगों को आ गया tan θ। अब हम लोग RHS को सॉल्व करें, यदि यही रिजल्ट आ जाए तो हम लोग प्रूफ हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग RHS से, तो RHS में है 1/cos θ − 1/sec θ + tan θ। यहाँ पर देखिए sec θ + tan θ है, इसको भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा sec²θ − tan²θ हो जाएगा। देखिए 1/cos θ यहाँ माइनस है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ये 1/sec θ + tan θ इंटू इसका अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को sec θ − tan θ / sec θ − tan θ। अब इससे आगे दोस्तों देखिए तो 1/cos θ क्या हो जाएगा sec θ − देखिए इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को sec θ − tan θ / देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पर, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, तो यदि ये ए है तो ये भी हो गया, ये बी है तो ये भी बी, बीच में साइन प्लस का और यहाँ साइन माइनस का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² - b² तो a² यानी कि sec θ² - b² यानी कि b² ये हो जाएगा tan θ² होल स्क्वायर। अब इसे आगे दोस्तों देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग को sec θ − ये हो जाएगा हम लोग को sec θ − tan θ / sec θ² करेंगे तो जाएगा sec²θ − tan θ² करेंगे तो tan²θ। अब दोस्तों देखिए यहाँ भी वही चीज आइडेंटिटी है, यहाँ पे sec²θ − tan²θ तो यहाँ लिख लीजिए कि सिंस sec²θ − tan²θ = क्या होता है 1 होता है। इसके जब 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को sec θ − ये हो जाएगा sec θ − tan θ / 1। तो 1 से इसको डिवाइड करें तो एज इट इज रहेगा यही, तो ये हो जाएगा फाइनली sec θ − ये sec θ − tan θ।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को सेक थीटा। देखिए ये हो जाएगा हम लोग को सेक थीटा माइनस ये सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, माइनस सेक थीटा तो प्लस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। और ये किसके इक्वल हो गया, एल एच एस के इक्वल। देखिए यहाँ पे क्योंकि देखिए एल एच एस सॉल्व किया क्या आया था टेन थीटा, आर एच एस को भी सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया टेन थीटा आ गया। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।